Assalamualaikum everyone. कैसे हैं? खैरियत से हो? आप सबको 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डे मुबारक हो. इंशाल्लाह ताला आज पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातें अपना एक बहुत अहम जिम्मेदारी अदा करने जा रहे हैं और हम इस मुल्क की आईन साजी का जो अमल है जो कि मेरे ख्याल में मेरी नजर में हमारा सबसे अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है. उस सिलसिले में हम अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो किए गए वादे थे जहां तक जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात है हम उनको मुकम्मल करने जा रहे हैं. सियासी तौर पे जाती तौर पे ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन है इसलिए मैं अपनी वालदा की नामुकम्मल मिशन की एक नुक्ता इंशाल्लाह ताला पूरे करना जा रहा हूं और इसका जो खुशी की बात है कि इस तंग मुश्क सियासी सूरत हाल सियासी स्पेस हम इंशाल्लाह ताला पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस के थ्रू जो कि हमारा ट्रेडिशन रहा है उस तरीके से ये आइन साजी करने जा रहे हैं और उस सूरत में जहां इस बिल के कंटेंट पे अब ना कोई एतराज रहा है ना कोई मुतनाजा पॉइंट रह चुका है. ऑपोजिशन और हुकूमत के जो जमाते डायलॉग में एंगेज थे उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज अग्री कर चुके हैं और जब उस तरीके से आइन साजी होता है इसके कॉम्प्रोमाइज अपनी जगह जो जमाते शायद इस पे वोट ना दें आज अपने अपने सियासी नुक्ते नजर की वजह से वो भी इस बिल के कंटेंट पे इंशाल्लाह ताला वोट पहले ना भी दे इस बिल के कंटेंट पे उनका ऐसे एतराज नहीं होना चाहिए जबकि उन्होंने ऑलरेडी मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इत्तेफाक बना उसको एंडोर्स कर लिया है. तो ये एक तारीखी दिन है. आज मैंने मौलाना फजल रहमान से फोन पे राबता किया शुक्रिया भी अदा किया कि जिस तरीके से ऑपोजिशन में होते हुए एक होता है आप हुकूमत में होते हुए ट्रेजरी बेंचेस पे होते हुए समझ में आता है जिस तरीके से मैं मौलाना फजल रहमान साहब जेयूआई ने इस अमेंडमेंट पे काम किया उस लिहाज से नहीं कि वो किसी ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे वो इस लिहाज से नहीं कि उनकी अपनी कोई सियासी फायदा या ना फायदा वो इस नजर से कि ये आईन जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अहमियत रखती है उतना अहमियत वो जेयूआई के लिए और मैं मौलाना फजल रहमान साहब जितना